नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेक्युलर न्यूज़ में। और मैं एक बार फिर से आपको जानकारी दे दूं कि इस बुलेटिन के निर्माता अपने दर्शकों को महामूर्ख समझते हैं और इस बात का इन निर्माताओं को बहुत गर्व है। आज का मुख्य समाचार, हाल ही में दिल्ली पुलिस का जालिम और फांसीवादी चेहरा सामने आया है। उन्होंने जो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हिंदू शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस पर और दिल्ली पुलिस के जवानों पर गोली चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नीले वस्त्र पहने हुए एक शख्स को गोली चलाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो पत्थर चलाते हुए देखे जा रहे थे। इन हमलों में दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर मेदालाल गंभीर रूप से घायल है और बहुत सारे अन्य लोग भी अभी घायल अवस्था में हैं जिनका उपचार चल रहा है। जिस शख्स को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, इसका नाम इमाम यूनुस उर्फ सोनू चिकना बताया जा रहा है। इमाम यूनुस की मां आशिया ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बड़े सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि उनका बेटा 5 वक्त का नमाजी है और उस दिन रोज़ा खोलने की तैयारी कर रहा था जब उसे पता चला कि बजरंगबली हमला कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम दंगा शुरू हो गया है। तो इनका बेटा उस समय किसी बच्चे से उसने पिस्तौल छीन कर उसने गोलियां दाग दी थी। आशिया का ये भी कहना है कि जो वीडियो बनाया गया है वो किसी दुश्मन ने बनाया है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए और दिल्ली पुलिस उस दुश्मनों द्वारा बनाए गए वीडियो को एक सबूत की तरह मान रही है और उनके मासूम बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। आशिया ने आगे ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और उनके मोहल्ले के लोग सारे के सारे ये गवाही देने को तैयार हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। यदि आशिया की बात माने तो ये जो उनका बेटा है जो 5 वक्त नमाज करता था, इस समय वो बहुत डरा हुआ है लेकिन आशिया के संपर्क में नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने इस डरे मुसलमान के बारे में इसके पक्ष में अभी तक कोई बयान नहीं दिया है लेकिन आशा है कि बहुत जल्दी वो बयान जारी करेंगे। लेकिन इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए जहाँ दिल्ली पुलिस का एक फांसीवादी चेहरा उभर कर सामने आया है, हमारे एक समाज के रूप में इस घटना ने बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हम उन प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि क्या दिल्ली पुलिस के जवानों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जब एक 5 वक्त का नमाजी गोली चला रहा है तो वो अपना सर या सीना उसके सामने करते ताकि इस रोज़ेदार को गाजी होने की उपाधि मिल सकती, क्योंकि जो व्यक्ति काफिरों को मारता है उसे इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में गाजी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, क्या किसी दुश्मन द्वारा बनाए गए वीडियो को साक्ष्य या सबूत मानकर कार्रवाई करना दिल्ली पुलिस के लिए अल्पसंख्यक समुदाय पर अन्याय की तरह नहीं देखा जाना चाहिए? तीसरा प्रश्न कि ये जो रमज़ान का पाक मुबारक महीना चल रहा है, इसी महीने में जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला था जिसे नबी कहा जाता है इस्लाम का, उसने बहुत सारे काफिरों को मारा भी था और मरवाया भी था, तो ऐसे में यदि इमाम यूनुस वैसा ही कुछ करने का प्रयास करता है तो क्या इसे अपराध माना जाना चाहिए? चौथा, हुजूर साहब के नक्शे कदम पर चलना सुन्नत कहलाता है और ऐसा माना जाता है कि कुरान पाक में लिखा है कि जो हुजूर साहब हैं वो एक आदर्श व्यक्ति हैं हर मुसलमान के लिए, तो क्या उनके नक्शे कदम पर चलना हर मोमिन का फ़र्ज़ नहीं है? और यदि है तो दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया है? पांचवा प्रश्न ये उठता है कि ये जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, क्या ये सारी की सारी कार्रवाई शरिया कानूनों का उल्लंघन नहीं करती? हाँ, यहाँ पर एक गलती इमाम यूनुस ने भी की। जब कुरान पाक बड़े स्पष्ट आयतों में बयान करता है, 2 जगह पर बयान करता है, 8वीं सूरा की 12वीं आयत में और 47वीं सूरा की 4थी आयत में कि काफिरों के गर्दनें उड़ानी हैं, उनके गले काटने हैं, तो उसने पिस्तौल क्यों छीनी? उसे तलवार छीननी चाहिए थी। सातवां प्रश्न, इस वीडियो में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं जो पत्थर चला रहे हैं, तो क्या सरकार का फ़र्ज़ नहीं है कि इन सभी के गली मोहल्लों में तलवारें मुहैया कराई जाएं ताकि जब भी इनमें गाजी बनने का शौक जागे तो इन्हें पत्थरों का सहारा लेने की बजाय तलवारें वहीं पर उपलब्ध हों? और आठवां, के जैसा कि आशा ने बताया कि उसने किसी बच्चे से पिस्तौल छीन कर गोलियाँ दागनी शुरू की थी, तो ऐसे प्यार भरे मोहल्ले और ऐसे प्यार भरे बच्चों को क्या और ज़्यादा पिस्तौलें नहीं देनी चाहिए कि वयस्कों को बच्चों से पिस्तौलें छीननी ना पड़े? सबके पास अपनी अपनी पिस्तौल हो, जिस दिन उनका मन करे काफिर का खून बहाने के लिए वो उसे बेहिचक बहा सकें। विचार कीजिए इन सभी प्रश्नों पर और इनके उत्तर आपको बहुत गंभीरता से ढूंढने की आवश्यकता है। नमस्ते।